आओ, ये हम लोग, ये देखो छोटे वाला, ये देखिए ये पीछे मंदिर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल सूर्या ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, मज़े में ना? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं सूरत से सोमनाथ, तो मैंने टिकट निकाल लिया। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन 4 बजे थी शाम को, और ये अहमदाबाद में 8 बजे हम लोग को छोड़ेगी। फिर हम लोग वहाँ से 9 बजे 9:30 बजे हम लोग की ट्रेन है वेरावल के लिए, तो हम लोग वहाँ से वेरावल जाएंगे। ये देखिए, ये हम लोग सूरत पार कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो फिर हम लोग वेरावल से सोमनाथ जाएंगे। वहाँ से 8 किलोमीटर दूरी है सोमनाथ की, तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी गाड़ी है वेरावल के लिए सोमनाथ। तो चलिए चलते हैं, अहमदाबाद स्टेशन है ये। हम लोग अब पहुँच चुके हैं 9 बजे। तो हम लोग सोचे थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, तो बाहर आए अहमदाबाद स्टेशन के नाश्ता वास्ता लेने के लिए। फिर ये हम लोग की ट्रेन आ चुकी है अब अहमदाबाद टू वेरावल के लिए हम लोग जाएंगे। काफ़ी खाली है ये, वैसे तो हमेशा भरी रहती है। सूरत से भी ट्रेन है, लेकिन 7 दिन में एक ही दिन है, और यहाँ से आपको हमेशा ट्रेन मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने यहीं से अच्छा समझा जाने के लिए। अगर आप लोग भी कभी जाइए तो यहीं से अच्छा रहेगा, क्योंकि खाली रहेगी ट्रेन और अच्छा रहेगा। सूरत से जाएंगे आप लोग तो काफ़ी भीड़ रहेगी, और ज़्यादा रेट भी नहीं है। 320 रुपये का यहाँ से वेरावल का टिकट है। जाएंगे पापा के दर्शन के लिए सोमनाथ। जय सोमनाथ, जय हो भोलेनाथ। ये रात के 10 बजने वाले हैं, अभी 10:10 पे ये ट्रेन खुलेगी। फिर तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं ठीक है। हेलो, ये हम लोग वेरावल पहुंच चुके हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ से सोमनाथ का 150 रुपये लेते हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। इसके लिए फिर हम लोग नहा धोवा के भोलेनाथ के महाकाल का दर्शन करेंगे। जय महाकाल। थोड़ी ठंडी है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे, इसलिए स्वेटर वेटर लगा कर रखे। 4 नंबर पे खड़ी कर दिया। बाहर निकलने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और इसको पैदल नहीं चलना था। वेरावल स्टेशन से अब हम लोग टेम्पो करके सोमनाथ जाएंगे। ये हम लोग पहुँच चुके हैं, जय श्रीमन नारायण। ये धर्मशाला है, इधर रुकेंगे हम लोग। सीधा सामने ही आपको दिख रहा होगा मंदिर सोमनाथ का। तो चलिए अब नहाते धोते हैं, उसके बाद ये रहा हम लोग रूम लिए हैं, जो सब अलग अलग रूम है इधर। ये हमारा 18 नंबर वाला रूम है। ये हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले थे। यहाँ पे रूम रेंट अलग अलग है। अगर आप लोग सोमनाथ में नए हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कहाँ रहना, कहाँ खाना, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप लोग कम बजट में हैं तो अधिकतर धर्मशाला लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है धर्मशाला भी, और ऑफ सीजन गए हैं तो और अच्छा है। 500-600 में 24 घंटे के लिए बुक हो जाता है, या डॉर्मेट्रिक भी ले सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो बने रहिए वीडियो में। ये पीछे हमारे सोमनाथ मंदिर। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल।